नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लेवल 1 फॉर बिगिनर्स की हिंदी वीडियो सीरीज और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ राइटिंग इनटू फाइल। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सिखाया था रीडिंग फ्रॉम फाइल, यानी कि फाइल को रीड कैसे करें। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राइटिंग टू फाइल। राइटिंग के लिए भी पिछली वाला जो रीड का कोड था उनको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर राइटिंग में पेस्ट कर देते हैं। चेंज में क्या करना है दोस्तों, रीड मोड में जो फाइल हम ओपन कर रहे थे उनको हम ओपन करने वाले हैं अपेंड मोड में। अपेंड मोड में क्या होगा दोस्तों, जो भी हम कुछ नया ऐड करेंगे वो ऐड होगा। अभी क्या है, IPL.txt फाइल में हमने MI शर्मा और CSK धोनी ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब राइटिंग मोड में हम उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं file.read की जगह लिखने वाला हूँ। राइटिंग के लिए दोस्तों क्या लिखना होगा मुझे, यहाँ पर राइट, ठीक है। तो राइट में मैं लिखना क्या चाहता हूँ, तो जो भी कुछ मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए कि अभी मैं लिखना चाहता हूं DC अय्यर, तो DC के लिए जो है अय्यर मैं लिखना चाहता हूं, तो मुझे यूज करना होगा DC-अय्यर। देखते हैं रन होता है या नहीं। चलिए रन बटन पर क्लिक करके हमें रन करना है राइटिंग फाइल। तो यहां पर मुझे लिखा हुआ मिलेगा 7, यानी कि अभी मैंने कितने कैरेक्टर्स लिखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 कैरेक्टर्स जो है मेरे राइट हो गए हैं। मैं चेक कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे कहाँ पर जाना है मेरी फाइल में, तो ये देख लीजिए यहाँ पर मुझे लिखा हुआ मिल रहा है DC-अय्यर। लेकिन ये और चीज़ हम रीडिंग मोड में भी इसको देख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अगर आप रन करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर पिछली रीडिंग वाली फाइल में चले जाते हैं और रन करा कर देखते हैं। रन करते हैं हम रीडिंग, तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा DC-अय्यर जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। लेकिन ये जो है धोनी के पास में लिखा हुआ आया है। लेकिन अगर मुझे DC-अय्यर न्यू लाइन में चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे लिखनी होगी न्यू लाइन। चलिए न्यू लाइन भी देख लेते हैं कि न्यू लाइन कैसे लिखना है। राइटिंग में चले जाते हैं एक बार और यहाँ पर मुझे ऐड करना है DC-अय्यर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा /n, यानी कि अब दूसरी बार जो DC-अय्यर जो है ऐड होने वाला है वो कहाँ पर ऐड होगा, न्यू लाइन में। पहला वाला जो भी अभी मैंने ऐड किया है वो यहीं पर ही रहेगा, लेकिन दूसरी बार जो DC-अय्यर ऐड हो रहा है वो न्यू लाइन में ऐड होगा। रन करके देख लेते हैं, राइटिंग वाली फाइल हम रन करवा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 8 कैरेक्टर ऐड हो गए फाइल में। देखते हैं, ये लीजिए नीचे आ गया DC-अय्यर। रीडिंग में भी देख लेते हैं रन करके, ताकि आपको पता चले कि ये देख लीजिए आउटपुट यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ गया है DC-अय्यर। एक और मोड देख लेते हैं कि आर प्लस मोड किस तरह से वर्क करता है। तो आर प्लस मोड में हम दोस्तों रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं राइट मोड। राइट मोड में दोस्तों जो भी हम लिखेंगे वो होगा ओवर राइट। मान लीजिए DC-अय्यर की जगह मैं लिख रहा हूँ KKR कार्तिक। तो अब जो दोस्तों फाइल रन होगी तो पिछला वाला जो हमारा डेटा है वो चला जाएगा, उसके ऊपर KKR कार्तिक ओवरराइट हो जाएगा। हमें रन करना है राइटिंग वाली फाइल। ये लीजिए दोस्तों 11 कैरेक्टर है वो ऐड हो गए हैं। और अब देखते हैं फाइल में। जी हाँ दोस्तों, अब फाइल में देख सकते हैं कि सिर्फ KKR कार्तिक ही बचा है। रीडिंग वाली फाइल में भी रन करके देख सकते हैं, यदि देखिए जो MI शर्मा, CSK धोनी और DC-अय्यर था वो चला गया, सिर्फ यहाँ पर अब बचा है KKR
कार्थिक, तो आर मोड में जो भी हम लिखेंगे वो हो जाएगा ओवर राइट। और एक और चीज दिख लेते हैं, आर प्लस मोड, डब्ल्यू की जगह यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ आर प्लस, और यहाँ पर अब मैं राइट करने जा रहा हूँ एम आई शर्मा, और फिर से एक बार राइटिंग वाली फाइल को रन करते हैं, सॉरी दूसरी फाइल पर क्लिक हो गया, ट्राई एक्सेप्ट में हो गया, मुझे रन करना है राइटिंग। ये लीजिए दोस्तों, 9 कैरेक्टर शेड हो गए। चलिए देखते हैं रीड मोड में क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम फाइल को रीड करें तो क्या हुआ, पहले क्या था, कार्तिक था, यानी कि जो कार्तिक का जो कैरेक्टर्स जो यहाँ पर से रिमूव होगा उनकी जगह लिखा होगा आ गया शर्मा, लेकिन बाकी के जो कैरेक्टर थे आई और के वो दोस्तों यहाँ से रिमूव नहीं हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों हम यूज करते हैं ए प्लस या तो सॉरी ए और या तो राइट मोड, ओवर राइट होता है डब्ल्यू से और ए से होता है अपेंड, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है आर प्लस मोड का, अगर वो पिछली वाली फाइल में कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो जितना आप नया ऐड करते हो ऐड हो जाएगा, अगर नया डेटा जो है वो कम है और पिछला वाला डेटा ज़्यादा है तो बाकी का जो डेटा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये दोनों मोड हुए रीड और राइट के लिए। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ कि अगर मुझे आर प्लस मोड में रीड करना है तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रीड, और फिर से एक बार राइट मोड में फाइल को रन करके देख लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर फाइल आपकी रीड भी हो सकती है। तो आर प्लस मोड दोनों रीड और राइट दोनों के लिए वर्क करेगा, राइट मोड जो है वो सिर्फ राइट के लिए काम करेगा लेकिन डेटा ओवर राइट होगा, और ए मोड जो है दोस्तों डेटा को ऐड करेगा और पिछला वाला डेटा वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये था दोस्तों राइटिंग इन फाइल। आगे की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंपोर्ट फ्रॉम अदर फाइल, यानी कि अभी जो हम कोई एक फाइल पर वर्क कर रहे हैं और दूसरी फाइल में कुछ हमारा डेटा वहाँ पर हमने लिखा हुआ है, कुछ फंक्शन बनाए हुए हैं, कोई वेरिएबल बनाए हुए हैं, तो वो चीज़ों को हम कोई अभी जो हम जिस फाइल में वर्क कर रहे हैं वहाँ पर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट फ्रॉम अदर फाइल सीखने के लिए देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहिए। आप सभी का आभार, धन्यवाद।